वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑलराउंडर बाबा में। तो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सब लोग अपने टाइटल्स हिंदी में लिखने, थंबनेल्स हिंदी में बना रहे हैं, जिससे उनके व्यूज़ में थोड़ी बढ़ावत आ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो जब तक ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर और अपने टाइटल्स को हिंदी में लिखना चाहते हो और आपको हिंदी कीबोर्ड नहीं यूज़ करना आता हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन जब तक मेरा इंट्रो चल रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बाजू की नोटिफिकेशन पर बेल बिल दबा दीजिए, जिससे आप नोटिफाइड रहेंगे मेरे न्यू वीडियोज़ के लिए और मैं मोटिवेटेड रहूँगा ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है पिक्सल लैब टेक्स्ट ऑन पिक्चर। और पिक्सल लैब सर्च करोगे तो भी आ जाएगा 1 मिलियन डाउनलोड्स के साथ 4.6 स्टार्स का। इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ पिक्स गूगल पे डाउनलोड कर लेनी है। तो ये देखिए, मेरे अभी लेटेस्ट वीडियो का थंबनेल मैंने इधर से बनाया हुआ है। तो इसको मैंने कैसे बनाया मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो मैं एक ये सब ये देखिए, ये जो फ़ोटो है मैंने गूगल से सिर्फ गूगल सर्च इंजन में हैक करके सर्च किया, तो ऐसा एनोनिमस का फ़ोटो आया। तो मैंने उसके बाद में स्पेस थी तो मेरे को ये कूल पिक लगी। आप चाहो तो अपने लिए कोई और पिक ले सकते हो अपने वीडियो के रिलेटेड। तो मैंने ये फ़ोटो ले लिए। उसके बाद आपको जाना है इधर प्लस पे क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैंने पहले से लिख के रखा है हाउ टू हैक। यहाँ आ जाने के बाद आपको स्टाइल्स में सबसे बेस्ट स्टाइल मेरे को लगती है सैंपल, तो मैंने सैंपल स्टाइल ले कर रखी है। उसके बाद आपको यहाँ आ जाना है कलर में। कलर में अगर आपको किसी वर्ड को हाईलाइट करना है तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है हैक को, तो आपको यहाँ से सिंपल हैक को ले लेना है, जाना है येलो पे और येलो पे क्लिक कर लेना है। आपके पास ग्रेडियंट्स भी आते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये देखिए ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें इसे सिंपल रहने देना है। तो हम पहले इसे एक सेकेंड हैक को येलो कर लेते हैं और ये वाइट रहने देते हैं। ऐसे ही आपको एक एक करके कर लेना है। उसके बाद आपके पास और ऑप्शंस क्या होते हैं, आप बी स्टाइल आप इसको स्लैंटिंग पोजीशन में और कूल रखने के लिए कर सकते हो, इसको अंडरलाइन कर सकते हो, इसको और बोल्ड कर सकते हो। बट मैं किसी का भी उपयोग मेरे थंबनेल्स में नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा सिंपल थंबनेल बेटर लगता है। उसके बाद इसको आप कर्व कर सकते हो, थोड़ा बेंडिंग कर सकते हो। ये देखिए ऐसे, अगर आप थोड़ा अपने थंबनेल में थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट लाना चाहो तो। उसके बाद आप हम आगे चलते हैं स्पेसिंग की तरफ। आप लेटर स्पेसिंग कर सकते हो कि स्पेस ज़्यादा कम हो, लेकिन ज़ीरो इससे बेस्ट। तो मैं ज़ीरो यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहो तो आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग में ऊपर और नीचे का फ़र्क आपको दिखेगा थोड़ा अभी, क्योंकि हमारी स्पेसिंग पहले से हो रखी है तो हमको कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। अब स्ट्रोक, या स्ट्रोक मेन है। अगर आपका कलर वाइट है तो हम ब्लैक स्ट्रोक भी दे सकते हैं, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक है तो आपको ब्लैक कितना भी कर लो कुछ नहीं दिखेगा। वाइट में भी अभी येलो के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट आया था। ऑरेंज में हमको बहुत अच्छा इफेक्ट आया, तो हम स्ट्रोक बढ़ा के ऐसा भी कर सकते हैं, बेटर है। मैं कुछ 10 के आसपास रखता हूँ जिससे अच्छा इफेक्ट आता है। अब हम जाते हैं शेडो से हमको थोड़ा अच्छा ब्लर रेडियस मिल जाता है, तो मैं वाइट का ले लेता हूँ। वाइट का आपको ब्लर रेडियस बढ़ाते जाना है जिससे आपको ऐसा इफेक्ट मिलेगा। अब मेरे को वाईफाई पासवर्ड जैसा मैंने ब्लर इफेक्ट आ रहा है वैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो आपको नीचे जाना है और इनेबल कर देना है आउटर ग्लो को। तो आउटर ग्लो से आपको ऐसा ब्लर रेडियस मिलेगा जिससे आप टोटली उस सेंटेंस या उस वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो। तो मैं इसे थोड़ा बढ़ा के इधर रख देता हूँ, या फिर मैं ऐसा भी ले सकता हूँ। ये कलर्स बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब हम चलते हैं इनर शेडो मैं प्रेफर नहीं करता, आप चाहो तो कर सकते हो। ये देखिए ऐसे हम अंदर का शेडो का चेंज कर सकते हैं कलर, एम्बोस कर सकते हो आप। तो ये देखिए इसका डिग्री चेंज करोगे तो वर्ड्स हिल रहे हैं आपको दिख रहा है, तो उसका थोड़ा फिक्स ला सकते हो। 3D रोटेट, इससे आप अपने वीडियो के थंबनेल को थोड़ा अच्छा इफेक्ट दे सकते हो, जैसे ऐसा थोड़ा करके
एंड लाइक दिस हाउ टू हैक को थोड़ा आप ऐसे रखोगे तो सबको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और क्लिक बेट वीडियो बनेगा। उसका 3D टेक्स्ट ये मैं फिर से प्रेफर नहीं करता हूँ, ये देखिए ऐसा 3Dness दिखता है। डेप्थ आप ऐसे बढ़ा सकते हो लेकिन मुझे कुछ इसमें इफेक्ट ज़्यादा पसंद नहीं आता। 3D शेडो तो आपका नीचे शेडो दिखे उसके लिए आप चाहो तो कर सकते हो लेकिन आई डोंट प्रेफर दिस टू। अब टेक्स्ट रिफ्लेक्शन, इसमें आपका टेक्स्ट रिफ्लेक्ट होएगा नीचे, अगर आप चाहो तो इसे भी रख सकते हो। उसके बाद मास्क अनेबल करके आप इसे ऐसे सेटिंग कर सकते हो कि इसको आप किस तरह से रखना है। अब आपको इसी तरह सब वर्ड्स को ऐसे कर लेना है। उसके बाद हम इधर शेप्स में भी जा सकते हैं। अब शेप्स में हमारे पास क्या है, स्टिकर्स बहुत सारे हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी भी रिलेटेड अपने वीडियो का इधर स्टिकर मिल जाए तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट शेप इस सर्कल आता है जिससे मैं किसी भी एक वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट कर पाता हूँ, जैसे कि ये हैक। तो ये देखिए हम ऐसे करके इसे हैक के ऊपर हाईलाइट कर सकते हैं। अभी तो मेरा 3D रोटेट है तो इसको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो वाइट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रोक में हम इधर मेन इस पर इफेक्ट डाल सकते हैं और इसमें ब्लैक इफेक्ट या फिर वाइट ही रहकर अपन स्ट्रोक विथ बढ़ा दें। अभी तो ये बहुत ये देखिए ऐसे कुछ करे तो सबका हैक पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद इसको फिर से आप रोटेट भी कर सकते हैं, तो मैं उसी एक्सेस पे इसे भी ला दूँ तो ये फिर से बहुत कूल लगेगा। और हमारे पास बहुत चीज़ें हैं तो मैं एक एक करके वापस लेके चलता हूँ। अब शेप्स आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो लेकिन इनका ज़्यादा यूज़ नहीं आता। ड्रॉ कर सकते हो इसके ऊपर, ये देखिए ऐसे आपको किसी चीज़ को परफेक्टली हाईलाइट करना हो तो। इसके बाद आप इधर से अपनी इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हो और इमेजेस के ऊपर इमेजेस लगा सकते हो जिससे आपको किसी एक इमेज को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना हो। अब हम आते हैं कलर की तरफ। कलर आप करना चाहो तो जैसे ऑरेंज वाइट, अभी तो कुछ कलर नहीं दिख रहा है। अगर कलर करोगे तो आपका सिर्फ टेक्स्ट रहेगा, बाकी पीछे की फ़ोटो निकल जाएगी। ट्रांसपेरेंट करोगे तो भी आपकी बैक फ़ोटो निकल जाएगी, तो आप इससे अंडू कर सकते हैं। उसका इमेज साइज़ आपको 1/12 इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका स्क्वायर प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल थंबनेल और बैनर के लिए आप तक फेसबुक कवर आर्ट, तो हम थंबनेल के हिसाब से रखते हैं तो इसके लिए हम ऐसे रखते हैं। उसका इमेज आप बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हमारा ये पहले से बैकग्राउंड इमेज सिलेक्टेड है तो हमारा बैकग्राउंड इमेज हट जाएगा अगर हम इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। अब गैलरी से भी या कैमरा से भी क्लिक करके अपना बैकग्राउंड फ़ोटो चेंज कर सकते हो। उसके बाद इसको रोटेट भी कर सकते हो, बट ये बेटर है। फिर विग्नेटिक इफेक्ट डाल सकते हो, ये देखिए ऐसा कुछ। उसके बाद स्ट्राइप्स डाल सकते हो, ये किसी मेन इवेंट के बारे में अगर आप वीडियो बनाए तो इसको ले सकते हो। ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कॉन्ट्रास्ट से थोड़ा इफेक्ट ला सकते हो और हुई और सेचुरेशन से भी आप थोड़े अपने फ़ोटो को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो अगर आप ये देखिए और हमारे पास थोड़े हम ऐसे कर सकते हैं इसको फिर यहाँ। Get ready for 24 hour action. New colossal charger from Maidley, New York. Steve Tens looks freshly applied. It's much proof, waterproof. सॉरी गाइज, ये बीच में ऐड आया क्योंकि मेरा वाईफाई ऑन है। तो उसके बाद आपको एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है, अपनी इमेज बनाना, फिर JPG नहीं रखना है, फिर PNG पे करके आपका अगर आप YouTube थंबनेल हो तो आपको वेरी हाई तक रहने देना है जिससे आपका मैक्सिमम MB होता है 2 MB, जिस उसके ऊपर जाता है तो आप अपने थंबनेल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो वेरी हाई में 2 MB तक का ही रहता है। अब यहाँ से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, व्हाट्सएप, ड्रॉपबॉक्स तक अपना डायरेक्टली क्विक शेयर कर सकते हो। फिर यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है, सेविंग इमेज, और इमेज सेव्ड हो जाएगा आपकी गैलरी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मेरा चैनल पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, वो बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आपको ऐसे वीडियोज और चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बिल भी दबा दीजिएगा जिससे मैं मोटिवेट रहूँगा नए और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए और आप भी मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को और अगर आपके पास कोई सवाल सुझाव, कोई एडवाइस हो नए वीडियो के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।